सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। एक और बार नई वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। और आज एक दो गुड न्यूज़ हैं कि एक जो है हमने इनका नाम चूज़ कर लिया है। कल मैं और मेरा भाई बैठ के गूगल पे ऐसी पिक्चर विक्सल नाम वगैरह आए हुए थे, तो हमने उनमें से इनका नाम चूज़ करा है। एंड यहाँ पे तो ये भाई ये डेली रूटीन, और कल की वीडियो में बताया था आपको कि इसका जो है वो बेबी निकल गया, एक हैच हो गया है अंडे से, तो एक बेबी निकला है। आज सुबह भी चेक करा है, बाकी सारे अंडे पड़े हुए, तकरीबन 5 अंडे पड़े हुए, 6 दिए थे, तो 5 अंडे पड़े हुए, एक थोड़ा काला काला लग रहा है। अब देखते हैं कल तक एक और बेबी निकल जाएगा या रात शाम तक निकल जाएगा एक और बेबी। और यहाँ पर फिंच कॉलोनी में भी भाई यही है, ये ब्लू वाली की फीमेल जो है वो अंडों पर बैठी हुई है, एंड ये फिंचेस जो हैं ये जा रही हैं, और डफ का अभी तक कोई नामो निशान ही नहीं है। रुक जा, आ रहा हूँ। डफ का जो है कोई भी नामो निशान नहीं है अंडे बच्चे का, जबकि इनका ही वो करना था। अब ये अगर लकड़ी का वो बन गया ना, लकड़ी का पिंजरा बन गया, तो फिर उसमें इनको सेपरेट करेंगे और सेपरेट में ब्रीडिंग लेंगे डफ की। मेल फीमेल कन्फर्म है, ये भी हमें पता है, क्योंकि काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई मेल फीमेल चेक करो, पहले मेल फीमेल चेक करो। इनका भी नाम बताते हैं, और अभी भाई बम लिया आया, थोड़ी सी एक्टिविटीज़ भी करते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं। एक काम करता हूँ, इन बम को ना इसके नीचे फाड़ के देखता हूँ, इसके नीचे तगारी के नीचे, ये इसमें फाड़ के देखते हैं क्या होता है उसमें। कहाँ रखा हुआ है वो? अच्छा, कुर्सी पर रखा हुआ है, कुर्सी पर रखा हुआ है, बोल ये रहा, कुर्सी पर ही रखा हुआ था, यहाँ पर ही रखा हुआ था, ये पड़ा हुआ है। ये बम लाया है भाई, मैच क्रैकर ये नाम है, इकबाल एंड सन ये कंपनी बना रही है, एंड वार्निंग वगैरह वगैरह लिखी हुई है, जो भी है। इसको खोल के देखते हैं इसमें कितने बम हैं। भाई ये कितने का मिला पैकेट है? भाई मेरे को तकरीबन 40 का पड़ा, शायद से इधर 3, 2, 5 और 3, 2, 5 10, 11 बम हैं इसमें। और अभी फाड़ते हैं, थोड़े सिंगल भी फाड़ते हैं, और थोड़े ये पतीली के नीचे भी फाड़ेंगे। पतीली दिखाओ, ये देखें, ये पतीली है कोई, ये ऐसी है, रफ पड़ी है, तो इसमें रख के भी फाड़ेंगे अभी। और जो हमारा कल बटेर हमारा था, उसको इसमें मैंने दफना दिया, ये देखें मिट्टी। हमारे पास नीचे भी क्यारी थी, मगर उसमें मैंने नहीं दफनाया, हमने इसमें दफना दिया है। भाई मिट्टी भी निकल गई इसकी, तो आए अभी वो करते हैं, बम फाड़ते हैं और आपको दिखाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक नया एक्सपेरिमेंट। ओ भाई बच्चों ने तो कचूमर कर दिया पापड़ का, भाई पापड़ नहीं छोड़ा। चलो भाई फाड़ो, इधर आओ बेटा, आ जाओ पीछे, आ जाओ, आ जाओ पीछे, आ जाओ, हाँ चलो फाड़ो, भाग जाओ भाग जाओ। ओ भाई साहब मेरे को धक्का लग गया। ओ तेरी खैर भाई, कितनी तेज़ आवाज़ आई है। एक और फाड़ दो, उसके बाद फिर मैं अंदर की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ, मगर आवाज़ बहुत टाइट आई है। एक सिंगल में छोड़ दो, इधर सिंगल में छोड़ दो, आगे छत पे, आगे छत पे, हाँ वो बड़ी वाली छत पे सिंगल में एक बम छोड़ दो। भाई हमारे नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो अच्छा यहीं पर ही छोड़ दो, सिंगल में छोड़ दो, और बच्चों को पीछे ले आना, वहाँ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ। चलो भाई फाड़ लो यार, वीडियो फालतू में लंबी हो रही है। तो भाई ये देखें, ओ भाई साहब, और ये आ गए हम सेटअप में फिर से, और ये बच्चा निकल गया इसके लिए। आप पीरा भाई, जब तक अंडे होते हैं तब मादी का काम होता है उस पर हीट करना, और जब बच्चे निकल जाते हैं तो फिर माँ बाप बाहर आ जाते हैं, और फिर वो बच्चे पलते रहते हैं, तो फिर हमारा काम हो जाता है टेम्परेचर मेंटेन करना। तो मैं आज 2 बल्ब ले आऊँगा, पीले वाले, पीला बल्ब सोच रहा हूँ वाइट इधर और पीला इधर कर दूँ, ताकि पूरा सेटअप पहले गर्म हो, क्योंकि वाइट अगर पीला इधर लगा दूँगा तो ये पहले पीछे से ये ढके हुए होते हैं, जबकि ज़रूरत आगे से थोड़ा बहुत खुला हुआ होता है, कपड़ा पूरा नहीं पहुँचता अक्सर, जैसे इसका भी देखा होगा आपने, इस पर 2 कपड़े लगा देता हूँ मैं, इधर भी एक ये रखना पड़ता है, तो यहीं लगा दूँगा एक वाइट वाला उधर और एक यहाँ पे। और बम की आवाज़ इतनी तेज थी कि पूरे कान फट गए। तो गाइस अब जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था, वो चीज़ बताने जा रहा हूँ, इनके नाम क्या रखे हैं मैंने। भाई ये देखो, सबसे पहली बात
ये हमारा मेल है, मेल। इनका नाम मैंने सोचा टी से रखते हैं, तकरीबन दोनों का टी से, एक नाम मिला था तो मैंने बोला दूसरी का भी टी से नाम रख देंगे, नहीं तो फिर सही नहीं रहेगा, तो अच्छा नहीं लगता ना। पहले मैंने सोचा था रियो और रूबी, हाँ ये नाम सोचे थे, मगर ये थोड़े ना इतने सूट नहीं कर रहे। अगर आपको अच्छे लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, मगर पहले मेरे दूसरे वाले नाम सुन लें जो मैंने रखे हैं। ये मेल, इसकी फीमेल जो है वो ये रही, इसने ना इसको ना जख्मी कर दिया था, मतलब मार मार के ना इसकी दुम भी तोड़ दी थी, जो एक दुम का बाल, मतलब दुम एक छोटी सी निकल ली होती है अलग से। तो ये है हमारा मेल, इसका नाम हमने रखा है टाइसन, एंड ये रही हमारी फीमेल, इसका नाम रखा है हमने टाइनी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं तो एक दूसरा भी ऑप्शन है रियो और रूबी, तो अगर वो आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में वो कर, कमेंट में रियो और रूबी लिख दिएगा। और भाई ये फीमेल भी बाहर आ गई, अंगड़ाइयाँ दे दी है, क्योंकि भाई ये लोग इतना आसान नहीं है इंक्यूबेट करना। देखें ये घंटे घंटों घंटे घंटों अंडे में बैठ के इंक्यूबेट करते हैं अपने अंडों को, और ये जब बाहर आती है इसकी दुम ऐसे मुड़ गई है, क्योंकि अंडे में बैठने की वजह से इसकी दुम मुड़ गई। माशाल्लाह बेबी निकल गया, 10 से 12 दिन लगेंगे उसकी प्रोग्रेस, एंड पर और आइस वाइस भी चेक कर लूँगा ये हांडी उतार के। एंड इनको भी अभी टाइम है, ये फर्स्ट पहले इनके निकले हैं, सेकेंड इंशाल्लाह इनके निकलेंगे, थर्ड इनके निकलेंगे, ये जो ब्लू हैं ये देखें, और एंड फोर्थ जो हैं वो उनके निकलेंगे। तो अब चारों के खैर आफियत से निकल जाएं, बस यही दुआ है कि चारों की ब्रीडिंग मेरे पास सक्सेस हो जाए, मतलब बच्चे निकल जाएं। और मेरे पास जगह बिल्कुल भी नहीं है बच्चों को रखने की, ये देखें सारे केज फुल हैं। देखें कहाँ छोड़ा हुआ है मैंने, इसके साथ छोड़ा हुआ था, ये यहाँ पे लड़ते थे, फाइट वाइट करते थे, तो मैंने इसको यहाँ छोड़ दिया। और ये दो सेपरेट केज हैं, एक पे हमारे हरे तोते लेते थे और एक मैंने अर्जेंट पे अपने दोस्त से लिया है, तो ऊपर वाले खाने में ये दो थे तो इनको इधर करके एक पेयर इधर आ गया है। और मैंने सही डिसीजन लिया क्योंकि ये अब यहाँ पे खुश खुश रहते हैं, इस ये वाले केज में थे तो थोड़ा तंग वंग होते थे, खेल नहीं पाते थे, अब वो जैसे चाहें तो वैसे ही रहते हैं। और सर्दी भी काफ़ी हो रही थी आज, तो मैं पीला बल्ब भी ला के लगा दूंगा इंशाल्लाह आज, और कल के व्लॉग में आपको वो भी देखने को मिल जाएगा। और हो सकता है मैं कल का व्लॉग रात से कंटिन्यू करूँ कि टेम्परेचर देखने की वजह से, टेम्परेचर देखने आऊँ कि भाई गर्म हो रहा है कि नहीं। और अभी हम आ गए हैं बाहर जी, कहाँ आ रहे हो? और बच्चे तो खुश खुश घूम रहे हैं छत पे आराम से, ये जुगाड़ भी मेरा सही रहा है, गर्मियों में ये खोल दूंगा ये कपड़े वगैरह, ये देखिए गर्मियों में कपड़े वपड़े भी खोल दूंगा। और अभी मैं इनको छेड़ नहीं रहा, नहीं तो मैं अगर इन लोगों ने अंडे बच्चे नहीं दिए होते तो इन दोनों को इधर दीवार पर फिक्स कर देता और वो अच्छे भी लगते, मगर थोड़ा खतरा ये है कि बिल्ली यहाँ से डायरेक्ट ऊपर आएगी, यहाँ से थोड़ी सी कम है ज़मीन से तो फिर भी हो जाता, यहाँ से डायरेक्ट चढ़ के यहाँ पे ऊपर आएगी और ये पकड़ के ले जाएगी। तो आज का जो व्लॉग था वो यहीं तक था, आज के व्लॉग को करते हैं एंड, होप करता हूँ आप लोग सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा और हमारे चैनल हमारे चैनल पेट की जर्नी को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा याद से। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।